Namaskar. I'm so happy to have all of you here. It's a proud moment for me and my team. आपका एक सवाल था कि इतने why have you come with us so late in this kind of a passion or a career or whatever you call it. जब आदमी जवान होता है और फैमिली को देखना पड़ता है, आवाज़ मेरी ऐसी रही बचपन से. कुछ स्टेज शोज कर रहा था मैं कॉलेज में, कुछ गाना गाता था. लाइफ हैज़ टेकन मी फ्रॉम डिफरेंट फेजेस. एक वक्त था जो इंसान को स्ट्रगल कराता है अपने कैरियर बनाने के लिए, उस वक्त आपका पैशन आपके शौक भूल जाता है. वो सोचता है कि कुछ स्टेबल कैरियर बन जाए. मैं कई जॉब से आई हैव गॉन थ्रू मेनी जॉब्स एंड आई हैव रिजन फ्रॉम ऑर्डिनरी a sales assistant. My career started. I'm a chemistry graduate with law post graduation. I have done marketing bajaj se hamari post graduation hui. I used to work and study. After my BSc I started working part time, then full time. और संघर्ष लगा हुआ था. एक सेल्स असिस्टेंस से मैं वाइस प्रेसिडेंट आया कंपनी का. वो कैस्टर ऑयल कंपनी थी शेल ग्रुप की. और फिर एक दिन ख्याल आया कि मैं अभी अपना काम शुरू करूं, क्योंकि मुझे एक हिम्मत आ गई थी. वो प्लान वही था मेरा. तो हमने मिड 80s में आर क्लोज 90s आई स्टार्टेड माय कंपनी सिंगली. जब मेरे बच्चे 8, 9, 10 साल के थे, बड़ी रिस्क ली मैंने, क्योंकि उस टाइम गाड़ी थी कंपनी की, शोफर था कंपनी का, पोजीशन अच्छी थी उन दोनों में. पर हमने कहा चलो एक दफ़ा निकल के देखते हैं बाकी दुनिया क्या है. तो जब निकले हम, देखा यार स्ट्रगल है. अभी तब गाना कैसे याद आएगा यार, एक्टर कैसे बनोगे. उन दोनों में गाना एक्टर बनना बड़ा टैबू था हर फैमिली में. बोले कहाँ पागल हो गया क्या. तो हम थोड़ी बैक सीट ले ली थी. तो दिस इज हाउ द जर्नी हैज मूव्ड. और 10-15 साल से मैं गाने में. फिर हमारे अरविंद जी आए, ये हैज बीन माय कोच. गुरु जी थे पहले, तो वो अक्सर क्लासिकल पे ध्यान देते थे. वो कुछ वहाँ से लेसन्स लिए. फिर ये जनाब आए तो उन्होंने बोला आप अपने गाने लिखो, अपने गाने गाओ. आई हैव अ टीम ऑल्सो, वी परफॉर्म. कई परफॉर्मेंस करते हैं, हर 2 महीने एक परफॉर्मेंस हो जाता है जहाँ 200-300 लोग ऑडियंस रहता है. तो थिंग्स आर इन फेवर, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा मोर आया है ज़िंदगी में अभी. पर उसने मुझे एक ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि मैं हाले एक दूसरा कवर किया रूप एंड माया एंड ऑल दीज पीपल, तुमको देखा है ख्याल आया. तो उसमें जो एक्सप्रेशन है, आई डोंट नो वेदर रूप कैन शो यू दैट वीडियो व्हिच इज जस्ट अबाउट मंथ एंड हाफ बैक, और ट्यूब पे आज रिलीज हुआ वो, और कल मेरे ख्याल से ये रिलीज हो जाएगा. एग्जैक्टली 3 months आफ्टर शी लेफ्ट अस, दिसंबर 19 का उनका देहांत हो गया. तो अभी इतना इसमें घुस गया हूँ, इतना इंटरेस्ट हो गया कि मुझे और समझ में नहीं आता क्या करूँ. जैसे ही मैं ये रोकता हूँ तो मैं
I'm into a different, you know, zone. So the best thing is for me today is not only my business, but more of my passion. And I'm reasonably confident because I have that level. Today I'm holding on to it. And then I have a team like Maya, Arvind, Roop, and here our Jawan, romantic couple. So with this, I think God willing, I reach to a different level. I'm a struggler. Now you have realized why I said I'm a young person, because I'm struggling. Apart from anything else, तो मुझे लगता है कि ये मेरा शुरुआत है इस करियर की. ये सवाल मेरे दूसरे प्रोड्यूसर ने भी पूछा था. मेरा पहला वीडियो 4 साल पहले निकला, रिलीज बाय रॉस म्यूजिक. सेकंड वाज रिलीज बाय हंगामा व्हिच हैज ऑलरेडी कॉट अप 2-3 lakhs ऑफ इट वाज अबाउट व्यूअर्स अबाउट 8 months or 9 months इट इज देयर. So that was also released by Maya and Roop. Lyrics again, yes. And the music arrangement was of Arvind and Luton. So this is the third one, not a cover, but original, our own song and original lyrics. आपने देखा होगा second अंतरे में, the mere emotions. तो with all that, as Maya rightly said, that even that time, and the most important thing is, it was my, more than me, it was my wife's desire, and possibly thought that she had deprived the looking after the family, and I have concealed my passion, my feelings about the creativity. I have a creativity which is inbuilt, and which I apply for everything. जैसे आप अभी बोतल नीचे रखी थी, मैंने कहा हटा दो, क्योंकि हाँ तो बोतल हटा दो, क्यों? कि वो बोतल सोई हुई और वो उसमें बहुत फर्क है. मेरा मतलब था ये उठा दीजिए यहाँ से, फिर वापस रख देंगे. That's all. Thank you so much. Any other questions you have, you ask me. मनीषा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस एल्बम को लेके सर के साथ, कैसा रहा एक्सपीरियंस और परिचय दे दें, और कितनी आशाएं अपेक्षाएं है आपको इस एल्बम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे मनीषा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मनीषा है एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान. मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ मुंबई में एंड एक्टिंग ही कर रही हूँ. ये मेरा सेकंड म्यूज़िक वीडियो है जो कि सेकंड टाइम जी म्यूज़िक से रिलीज़ हो रहा है. सो ये लाइक मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है एंड लाइक सर के साथ में काम करना, हीरो सर के साथ में, रूप के साथ में, और मेरा आई थिंक शूट के 1 या 2 दिन पहले ही सब कुछ फाइनल हुआ था. हमारे साथ हमेशा वैसे ही होता है, बट मेरे साथ में ये फर्स्ट टाइम हुआ था. तो एंड पे सब चीज़ें फाइनल होना और बहुत अच्छे से शूट होना लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और जहाँ तक आपने बोला कितनी उम्मीदें हैं, मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस म्यूज़िक वीडियो से. और हम 3-4 मंथ से इस म्यूज़िक वीडियो का वेट कर रहे थे और फाइनली अभी ये कल रिलीज़ हो रहा है. सो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. और आई नो ये मनीषा बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप पर्दे पर. इसके लिए कोई विशेष तैयारी की थी आपने एल्बम के लिए? नहीं, तैयारी करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज लाइक 2 दिन पहले मुझे पता चला था. चलो अच्छा, तुमको दो ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ा. लेडी जस्ट गॉट बी नॉट इवन आई लाइक जो हमारे वेट वगैरह वजन कम करने के लिए कुछ कहा गया था, कुछ नहीं, दो दिन में कुछ भी नहीं किया, 2 दिन में कुछ कम हो ही नहीं पाता. हाय अमेरिका जाके या सो इसके लिए मैंने ऐसे किया था कि सेट पे मैं एम्प्टी स्टमक रहती थी. तो बस आज खाइए ठीक तरह से. नहीं मैं कहीं ना कहीं इसमें एक दर्द छिपा हुआ है जो गाना है उसके बारे में क्या कहना है, मतलब एक आपकी आवाज कह सकते, दिल की आवाज कह सकते हैं.
आपसे मेरे से मैं पता नहीं कहाँ चला गया था. इस गाने में एक दर्द छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीजें हैं जो इसमें आप गाने के लिए. इससे बड़ा कौन सा दर्द हो सकता है कि आप वो इंसान को. मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं आफ्टर दी डेथ ऑफ माय वाइफ, यू नो. आई लाइक टू रीड आउट टू यू टू लाइंस. ओके मनीषा मोने जो मेरा फोन. मैं आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस एवर शी हैज लेफ्ट मी. आई ट्रैवल 15 डेज अ मंथ. और एक दिन फ्लाइट पे बैठा था मैं. एक अक्सर क्या होता था हर फ्लाइट में इन नॉर्मल कोर्स योर वाइफ वेट्स टू रिसीव द कॉल कि आप बोर्ड किए, आपने लैंड किया और इंतज़ार करते करते. तो मैं इसी ख्याल में बैठा था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द कॉल. अब मुझे समझ में नहीं आती. मैंने ध्यान किया और ऐसा काफ़ी टाइम ऐसा लगा था कि अब ये आएगा फ़ोन जैसे मैं लैंड करूँगा. तब मैंने कुछ लिखा. कोशिश करता हूँ, देखता हूँ. सोचता हूँ कैसे कटेगी ये ज़िंदगी तुम बिन. दिन तो कट जाता है इस खुद दिन तो कट जाता है इस खुद गर्ज जमाने के कामों में. रात नहीं कटती तुम्हारे इस जमाने में. क्या बात? रात नहीं कटती ये ऐ मेरी जिंदगी. रात नहीं कटती इन तन्हाइयों में. दिन तो कट जाता है इस खुद गर्ज जमाने के कामों में. उसका मतलब हुआ कि जब दिन तो कट जाता है कमाने में और कामों में, पर रात नहीं कटती. तो दिस इज द इमोशंस एंड दीज इमोशंस हैव बीन फॉर अ वाइल बिकॉज 6-7 महीने शी वाज अनवेल. और उनको एक फीलिंग आ गई. माया को बुला के इसने ये सब बोल दिया. प्रिया जी ने इनको बताया तो मैं ताजुब में रह गया बिकॉज थोड़े दिन पहले इन्होंने बताया मुझे. ये है हमारी कहानी. वी हैव बीन एंड वी विल ऑलवेज बी इन लव लाइक द वे वी हैव गॉन अबाउट. आई वॉज विथ हर फॉर मोर देन 45 years. 45 साल से पहले हमारा अफेयर चला था 5 साल. उस जमाने में अफेयर. नो दिस आई एम ओनली सजेस्टिंग द यंगर जनरेशन कि रूठा और भागा. तो ये रूठने की बात की हमने. आपने सुना रूठने की बात की हैं? और मना लेने की. मनाने की बात की. फिर हमने वो भी बात की है कि तुम बिन मैं नहीं रह सकूंगा, मैं टूट जाऊंगा. इमेजिन व्हाट ऑल ही हैज पुट इन द इमोशंस. एंड ही इज अ गाय आई कैन टेल यू वॉच ही इज नॉट एट द राइट प्लेस टुडे. He is the right place. He is exactly at the right place. No, I have told him that I'll struggle for you. You write 10 of my song. And it was an amazing experience to work with Hiru ji for the second time. He's such a bundle of amazing energy. मतलब ये बंदा. I'm sorry, I have to use बंदा. ये बंदा इस उम्र में इतना एनर्जेटिक है. मैं खुद कभी कभी सेट पे 4-5 बार टेक देते आई यूज टू बी टायर्ड बट ही यूज टू बी लाइक कम ऑन आई कैन गिव अनदर टेक लेट्स टेक अ बेटर वन. सो ही इज लाइक कमेंडेड. इट्स टेरिफिक. थैंक यू. आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक एंड अप्रिशिएट मनीषा. शी हैज बीन सच अ टेरिफिक सपोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ऑल द सीन्स. शी वी जस्ट गॉट इन टच विथ हर शूट के दो दिन पहले एंड उसने ब्रीफ लेके उसने ज्यादा सवाल तो पूछा नहीं बट शूट पे आगे शूट के दिन एंड शी वॉज लाइक
अमेजिंग. वो एक्चुअली वो एक या दो टेक भी नहीं ले रही थी, शी वाज जस्ट लाइक दिस. और कुछ कुछ टेक्स तो मेरे वजह से मुझे डिस्कनेक्ट करने पड़ रहे थे, कट करना पड़ रहा था. शी वाज आल्सो वेरी नाइस एंड आई विश के ये बहुत आगे जाए एंड और बहुत काम करे, हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिले इनको डायरेक्ट करने की. अभी मैं बात करूँगा राहुल शर्मा की. राहुल शर्मा को आप लोग एक्चुअली जानते होंगे, ये बहुत पॉपुलर टेलीविजन एक्टर रह चुके हैं. काल भैरव बोल के एक सीरियल आती थी, तो अभी भी चल रहा हूं. पॉपुलर बहुत एक्टर रह चुके हैं ये. इनके तो बहुत बड़ी फीमेल फॉलोइंग भी है. वो है. थैंक यू राहुल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर डायरेक्टिंग यू. थैंक यू. आई जस्ट होप कि मैं इनके साथ आगे और काम कर पाऊँ. एंड राहुल और मनीषा की वजह से जो इस गाने को एक अलग ही पिक्चर मिली है, जो मैंने यंग हीरो और यंग प्रिया को इमेजिन किया था, वो एग्जैक्टली निखर के आया है इस वीडियो में. एंड दैट्स समथिंग वेरी ब्यूटिफुल विद अरविंद जी एंड लाइटन जी. It's my words fall less to describe the song which you have wrote and composed and still writing. So आप ऐसे आगे गाने लिखते रहिए और हमें वीडियोस देते रहिए ताकि हम बना पाए. बनाते रहिए और फिर स्क्रीन पे आग लगते रहे. So thank you for such a beautiful song. I have to thank my entire team of Rolling Panda Production, Rolling Panda Entertainment Production, starting from Manohar ji. Manohar ji has been a terrific support in executing the entire project. My AD has also been terrific, Ruchi. Wo bhi bachchi nayi ladki hai, bahut acha kaam karti hai. And last but not the least, हमारा एक प्रोडक्शन कंपनी है रोलिंग पैंडा एंटरटेनमेंट, जिसकी जो मेन प्रोड्यूसर है वो माया है. शी इज सो मॉडेस्ट कि वो अपना नाम तक नहीं दिए पोस्टर में. वो बस चाहती है कि उसका प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च हो जाए, उसका प्रोडक्शन कंपनी नाम करे. एंड आई एम जस्ट अडोर्ड बाय हर एनर्जी एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट शी शोज टू ऑल ऑफ अस. आई कैन नॉट फिनिश दिस कॉन्वर्सेशन, दिस मीटिंग without mentioning my deepest connected soul, that is my DOP, my director of photography, Shakil sir. Unke bina ye video jo aap dekh rahe ho wo aata hi nahi. Main itna khush hota tha ki jo jaise maine imagine kiya hai wo waise hi screen pe aaya hai. So I and he is such a famous one, such a popular director of photography in Bollywood. उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे लिए, हमारे लिए वीडियो शूट किया. सो आई एम इटर्नली थैंकफुल टू हिम. आई जस्ट होप शकील सर, वेयर आर यू शकील सर? थैंक यू शकील सर फॉर योर कंटिन्यू. कहां निकल गए? कहां निकले? एंड या विद दिस आई जस्ट साइन ऑफ, बट आई रियली वांट राहुल, अरविंद एंड माया टू स्पीक सम वर्ड्स अलोंग विद शकील सर. सो या राहुल, मैं कौन हूं आप लोग जो नहीं जानते? मेरा नाम है राहुल शर्मा. मैं राजस्थान के एक छोटे से ज़िले दौसा का रहने वाला हूँ और बॉम्बे में मैं 2011 से मेरी शुरुआत हुई करियर की और अब तक मैं कुछ 5 शोज़ एज अ लीड कर चुका हूँ. ऑलमोस्ट सारे चैनल्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, सोनी, स्टार और सब जितने भी चैनल्स हैं. तो इस जर्नी में अभी 4-5 महीने पहले ये जो चीज़ हुई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि म्यूज़िक वीडियो के लिए अप्रोच किया. मनोहर जी जो हैं उन्होंने अचानक से मुझे बोला कि जो है यार एक म्यूज़िक वीडियो है, आप करोगे क्या? दैट वाज अ वेरी सडन कॉल. एंड उसके 2 मिनट बाद मैंने रूप से बात की और रूप ने मुझे अचानक से बहुत सारी चीज़ें समझा दी और मैं बोला हाँ चलो ठीक है करते, लेट्स मीट फर्स्ट. सो मिले और उन्होंने मुझे बताया कि ये हीरो जी की ज़िंदगी की कहानी है जो हम एक बहुत ही छोटे से कुछ मिनटों में हम लोग दिखाने वाले. जब स्टार्ट करने के लिए हम गए रूप के साथ में, जब स्टार्ट हुआ शकील सर थे तो सब लोग ऐसे थे कि अभी चलो कैसे जाएगा क्या जाएगा, बट वो एनर्जी रात को ही इतनी कनेक्ट हो गई थी कि जब हम सुबह शूट के लिए रात को प्लानिंग कर रहे थे तब तक हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया था कि किस तरह से करना है. एंड स्टार्ट हुआ और स्टार्ट इतने अच्छे से हुआ, बहुत सारी बीच में गलतियां भी हुई, चीज़ें भी हुई, लेकिन हमने बहुत जल्दी जल्दी आई गेस मैं रूप को तो रूप और शकील सर को मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने इतने कम टाइम में इतने सारे शॉट्स निकाले और स्पेशली जो सनसेट का टाइम था उस टाइम तो हमने मतलब भाग भाग के हमने इतना एटलीस्ट कुछ 2-4 शॉट निकाले थे, 2-3 सीक्वेंसेस
एंड वाला जो पार्ट जी एंड वाला पार्ट भी उसमें इम्पोर्टेंट था जिसमें लोबान आ नहीं रहा था और आग लगा दी थी उन्होंने पीछे जो असिस्टेंट है उन्होंने आग लगा दी थी उधर तो बहुत दो चार इंटरेस्टिंग किस्से हुए उस टाइम पे फिर अगले दिन हमने आराम से जब शूट खत्म हुआ तो मैम के बारे में मुझे उस टाइम पे पता चला कि मैम बीमार हैं तो यहाँ पे इतनी बात सब उस बारे में हो चुकी है मैं इसको एक बहुत ही हैप्पी नोट पे ख़त्म करना चाहूँगा कि मैम ने जाते हुए ये चीज़ माया मैम को बोली रोलिंग पांडा प्लस हीरू सर प्लस जितनी भी टीम है सब लोग रूप हो गए शकील सर हो गए अरविंद सर हो गए सब लोग यहाँ पे हैं वो चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट किसी भी तरह से हो सो मैं इसको देखता हूँ कि फॉर्चुनेट हम सब लोग हैं जो इसका पार्ट हैं आज और ये प्रोजेक्ट उनके जाने से पहले शूट हुआ मे बी वो देख नहीं पाई लेकिन एटलीस्ट उनके जो मन की इच्छा थी वो पूरी हुई और उनकी मन की इच्छा पूरी हुई उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये एक बहुत खुशी का मौका है उनके लिए सेलिब्रेट करने का कि उनकी आखिरी विश को हम लोग इस तरह से इतने बड़े लेवल पे और आप सब लोगों के साथ में मिल के शेयर कर रहे हैं सो थैंक यू सो मच मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ खुद को और मेरे पार्टनर को मेरा नाम अरविंद झा है एंड ये लिटोन है जो मेरे साथ म्यूज़िक करते हैं तो हम दोनों मिलके म्यूज़िक करते हैं और खुशी है जी से रिलीज़ हो रही है बहुत खुशी है बट दुख भी है तो आप दुख समझते हैं कहाँ पे है ये गाना जो शुरुआत की थी आपके एक क्वेश्चन थे एक सवाल आपने पूछा था हीरू जी से उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ क्योंकि स्टार्ट वहाँ से हुआ था आपने पूछा इस गाने में इतना दर्द कहाँ से आया इस गाने का जन्म ही दर्द से हुआ तो दर्द नहीं आएगा तो और क्या आएगा और दूसरी बात इसमें और एक चीज़ आया है आप लोग शायद भूल गए इसमें रोमांस भी है